हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम बॉमडिला से तवांग आए थे और रास्ते में हमारा फर्स्ट स्टॉप था सेला पास, जहां हमने एक खूबसूरत सा लेक देखा और उसके बाद हमने स्टॉप लिया था जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल, जहां हमें बहुत मजा आया और हम शाम तक तवांग पहुँच गए थे। अब चलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज डे 4 और अभी हम लोग तवांग में हैं। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और बस हम लोग अभी साइट सीइंग के लिए निकल रहे हैं। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा टायर्डनेस हो रहा था, तो कल रात को ही हम लोग ने डिसाइड कर लिया था कि थोड़ा लेट निकलेंगे। वैसे तो 7 बजे का टाइम रहता, हम लोग 8 बजे निकलते हैं। तो ये देखो पीछे पूरा तवांग दिखता है, यहाँ से फॉगी है तो दिख नहीं रहा पूरा। हम लोग साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं। बस गाड़ी में तो पूरा सामान नहीं रखा है हम लोग ने, जो जो नेसेसरी सामान है ना वही रखा है हम लोग ने फिलहाल, तो क्योंकि ज़्यादा गाड़ी भर के फ़ायदा नहीं है, सामान अपने रूम में ही है। और ये हम लोग का होटल है LD रिट्रीट, बहुत अच्छा होटल है। अभी तो यहाँ पर ऑफ सीज़न चल रहा है तो इतने कोई गेस्ट है नहीं, सिर्फ हम लोग ही हैं बस। यहाँ पर इतनी ठंड है कि गाड़ी ना मॉर्निंग में स्टार्ट ही नहीं होती है, तो उसको एकदम कोल्ड स्टार्ट करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से 4-5 सेल्फ लगते हैं तो उसके बाद चालू होती गाड़ी। तो ये देखो, ये मैं सेल्फ मार रहा हूँ, यहाँ पर बंद पड़ जाती है तो थोड़ा ऐसे 4-5 बार मारना पड़ता है, थोड़ा गर्म होती गाड़ी, तो उसके बाद थोड़ा ऐसे वार्म अप के लिए छोड़ना पड़ता है गाड़ी को, तब जाके थोड़ा चालू होती है। आज हमारा तवांग में डे 2 है एंड होपफुली आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। तो अभी मैंने इसको वार्म अप होने के लिए रख दिया। गुड मॉर्निंग, आज को ये हीरोइन बनके घूम रही है यहाँ पर। बाय द वे बहुत अच्छी लग रही है यार, पहली बार। थैंक यू। अब मम्मी, मम्मी क्या कर रही थी वहाँ पर? पीस चाहिए मम्मा को, इसलिए वो घुमा रही है। ओके, आई थिंक कार रेडी हो गई है, निकल सकते हैं। हाँ यस, निकल सकते हम लोग। ओके लेट्स गो। हेलो एवरीवन, सो हम निकल पड़े हैं हमारे होटल से जिसका नाम है LD रिट्रीट, और हमारा जो फर्स्ट स्टॉप है वो है मॉनेस्ट्री, जो सिर्फ 3 मिनट्स अवे है बाई रोड, मतलब हम कार से जाएंगे तो सिर्फ हम 3 मिनट में पहुंच जाएंगे। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, फॉग है बट उतना नहीं है, अच्छा विजिबिलिटी है, बारिश भी नहीं हो रही है, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा मौसम है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। और मुझे और एक चीज़ यहाँ बोली है कि यहाँ बहुत क्यूट क्यूट डॉग्स है, एक सब शिज़ू जैसे दिखते हैं। सब शिज़ू जैसे दिखते हैं बट शिज़ू नहीं है वो। हाँ बट बहुत ऐसे मन हो रहा है, आगे का जंगल है। हाँ हमारा आज का फर्स्ट स्टॉप था एशिया की सेकेंड एंड इंडिया की लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री, तवांग मॉनेस्ट्री। बहुत ही बड़ी मॉनेस्ट्री है, उसको घूमने में भी बहुत टाइम लगता है, तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं मॉनेस्ट्री में। और वैसे तो हम लोग के होटल से बहुत पास ही था मॉनेस्ट्री के, वॉकिंग भी जा सकते थे बट उसके आगे भी हम लोग को और जगह जाना है, तो इसलिए हम लोग ने गाड़ी लेके गए, तो ये मॉनेस्ट्री में हम लोग एंटर हो गए। आज हमने बहुत सारी चीज़ें आइटिनरी में रखी है जिसमें यूजुअली हम साइट सीइंग करने वाले हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ये दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल भी होने वाला है, आपको आगे पता चल जाएगा। तो वैसे तो मॉनेस्ट्री बहुत पहले से चालू हो गई बट ये बोलते हैं यहाँ का मेन गेट है, उन्होंने कार यहाँ पार्क कर दी है। अभी तो ऑफ सीजन है इसलिए यहाँ पर पार्किंग मिल गई, नहीं तो शायद से नहीं मिलता। बहुत पुराना ये लग रहा है, वैसे जैसे कि मैं बोल रहा था वो शिज़ू ब्रीड तो यही है। हेलो डॉगी, हनी देख ले। अरे आज कुछ फंक्शन है क्या यहाँ पर? मोदी जी आने वाले? तो जैसे कि आप पीछे पोस्टर देख रहे हो, इंटरनेशनल योगा डे है और यहाँ पर एक फंक्शन हुआ था यहाँ पर ही, जहाँ पर यहाँ अरुणाचल प्रदेश के CM आए थे और हम लोग ने वो मिस कर दिया। क्योंकि पहले हम लोग को पता नहीं था, अगर पता होता तो शायद हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पर आते थे और यहाँ का जो योगा डे है वहाँ का फंक्शन देख पाते थे। पीछे है मेन मॉनेस्ट्री है और यहाँ पर पीछे म्यूज़ियम है, तो देखते हैं यहाँ पर जाएंगे मेन मॉनेस्ट्री में। ये यहाँ पर ही मॉनेस्ट्री के सामने एक बड़ा सा पोल है, बहुत ऊँचा है, और ये इन लोग का फ्लैग है। ये मेन मॉनेस्ट्री है यहाँ की, तवांग मॉनेस्ट्री। और
अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। ऊपर देखोगे तो ऊपर भी बहुत अच्छा डेकोरेशन है, बहुत अच्छा डेकोरेट किया है इन लोग ने, बहुत कलरफुल है। ऑल्सो हितेश ये पूरा वुडन कार्विंग है, क्योंकि इन लोग वुड और वाटर में बहुत मानते हैं, तो सब वुडन वुडन ही है यहाँ पर। तो ये गौतम बुद्ध के बाजू में एक बुक है जो कि विजिटर आके उसमें लिखते हैं जो भी उनका मैसेज रहता है भगवान को, और जो भी उनकी मन की बात रहती है वो सब यहाँ लिख देते हैं। तो यस, ये सब बहुत अच्छा चीज़ है यहाँ पर। सो ये इतना बड़ा मॉनेस्ट्री है और उसके बाजू में ये सब जो घर देख रहे हो, यहाँ पर सब मंक्स रहते हैं, अराउंड 500 मंक्स रहते हैं यहाँ पर। तो आपको पता ही चल गया होगा कि कितना बड़ा मॉनेस्ट्री है। और यहाँ से आप व्यू देखो, यहाँ पर पहले ये फॉग था बट अभी पूरा हट गया है और यहाँ से पूरा तवांग का व्यू दिखता है सामने। अगर आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, एक गौतम बुद्ध का स्टैचू है जहाँ पर हम लोग अभी नेक्स्ट जाने वाले हैं। तवांग मॉनेस्ट्री एक बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री तो है ही, साथ ही वहाँ बहुत सारे मॉन्क्स भी रहते हैं। ये मॉनेस्ट्री काफी ऊंचाई पे थी जहाँ से पूरा तवांग बहुत ही अच्छा दिख रहा था। मॉनेस्ट्री के बाजू में एक रेसिडेंट टाइप है, उसके हम लोग टेरेस में आ गए और यहाँ से व्यू देखो। मॉनेस्ट्री में हम करीबन 1.5 घंटे के लिए थे। अभी हम लोग तवांग मॉनेस्ट्री से निकल गए और जाइंट बुद्ध स्टैचू की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से कुछ 6 मिनट दिखा रहा है अभी, बट वहाँ से कितना था, 8 मिनट ऐसा कुछ था ना, 8 मिनट था। बीच बीच में बहुत से बहुत अच्छे अच्छे घर हैं तो, और यहाँ का मौसम भी अभी ना बहुत साफ हो गया, मतलब अभी तो थोड़ी थोड़ी धूप भी आ गई है और कोहरा भी हट ही रहा है एकदम, तो बहुत प्लेजेंट वेदर हो गया यहाँ का अभी। मतलब जो हम लोग का आज का प्लानिंग था, आज का शेड्यूल था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत लेट चल रहे हैं क्योंकि मॉनेस्ट्री में थोड़ा टाइम लग गया हम लोग को, तो हमको फटाफट ही बुद्धा स्टैचू देख के फिर निकलना पड़ेगा आगे। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर जाइंट बुद्धा स्टैचू में पहुँच गए हैं। धूप आ रही है बट काफ़ी ठंड है। यस, काफ़ी ठंड है यहाँ पर, और मेरे पीछे ही स्टैचू है, बहुत मस्त दिख रहा है। और ऊपर जाके देखते हैं हम लोग कैसा है। ये देखो, एक बाजू ना यहाँ पर फॉग है और एक बाजू देखो पूरा क्लियर है। तो ये है जाइंट बुद्धा स्टैचू, बहुत ही बड़ी स्टैचू है ये। बुद्धा स्टैचू के अंदर एक दलाई लामा का टेंपल भी था और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल बुद्ध के पेंटिंग भी थे जो उनके बर्थ से डेथ तक का पूरा स्टोरी डिपिक्ट कर रहे थे। अंदर वीडियो लेना अलाउड नहीं था इसलिए हम वीडियो नहीं ले पाए। जाइंट बुद्धा स्टैचू का हम लोग साइट सीइंग हो गया है, हम लोग ने थोड़े बहुत सिनेमैटिक वीडियो भी लिए हैं यहाँ पर, आई होप आपको पसंद आया हो। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं थोड़ा पेट पूजा करने के लिए। यहाँ पर ही पास में है धर्मास कैफ़े करके, बहुत सारे रिकमेंडेशन आए थे और मैंने भी बहुत सारे व्लॉग्स में देखे थे, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो हम लोग बस वहीं जा रहे हैं और उसके बाद आगे की जर्नी हम लोग कंप्लीट करेंगे। इट वॉज टाइम फॉर सम पेट पूजा और हितेश मेरे पूरे ट्रिप के सबसे फेवरेट जगह पे लेके गया जो है धर्मा कैफे। आजू बाजू का भी लोग ने बहुत अच्छा बना के रखा है, यहाँ तो पेड़ फ्लावर्स तो हर जगह मिलेंगे, हर घर में मिलेंगे। और यहाँ सब कॉफ़ी के आइटम्स हैं, एक सिटिंग एरिया है यहाँ पर, एक और सिटिंग एरिया है, यहाँ लाइब्रेरी है और ये हम लोग के लोग यहाँ बैठे हैं। उर्मी कैसे? मुझे और भूख लग गई। और भूख लग गई, मजे आ जाएंगे। तेरे पिज्जा मंगा रही हूँ, बर्गर मंगा रही हूँ, क्रीम रोल मंगा रही हूँ, बस 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 चीज रोल सॉरी और कॉफी। कॉफी हाँ, कोल्ड कॉफी। मेरे को 1.5 घंटा लगेगा। बहुत खुश लग रही है यहाँ पर यार, चाइनीज खा के मैं अभी थक गई। अच्छा ओके, बट मुझे भी बहुत भूख लगी है तो मुझे 2 घंटा शांति से खाना है। ऑलराइट।
देख ले, अच्छे से देख ले, ठीक है। दूसरी जगह भी जाना है हम लोग को? नहीं, पहले मेरा सफल हो गया तवांग आना। ओके, यस। तो हम लोग ने इतनी सारी चीज़ मंगाई यहाँ पर, एग एंड चीज़ सैंडविच, वेज बर्गर, मार्गरेटा पिज़्ज़ा, फ्राइज, एक और वेज बर्गर, कोल्ड कॉफ़ी, और बस सब एंजॉय कर रहे हैं। हैप्पी टूट पड़ो। धर्मा कैफे बहुत ही क्यूट था और वहाँ का खाना तो और भी अमेजिंग था। यम यम यम, बहुत मज़ा आ गया। सब बिजी है, ये आइटम तो हम लोग भूल ही गए थे, बट ये लास्ट में आया क्रम्बल चीज। सो आई एम नॉट अ कॉफ़ी लवर, बट आई एम स्टिल ट्राइंग इट। मैंने मोका कॉफ़ी मंगाई है जो कि ज़्यादा कड़वी नहीं होगी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा कड़वी कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती, स्वीट अच्छी लगती है, तो मैं इसलिए ये ट्राई कर रहा हूँ। इसे कॉफ़ी काफ़ी कम अच्छी लगती है। Cheers. इसको थोड़ा स्टर करूँ ना, पर डिज़ाइन बिगड़ जाएगी। मैंने डिज़ाइन बना दिया आप। अब लग रही है डिज़ाइन। कैसी हो रही है? मिल के तो फिनिश भी हो गई। पापा कैसी लग रही चाय आपको? अच्छी है। अच्छी है, मैं बनाती हूँ उससे भी अच्छी। हितेश, मैं घर में चाय बनाती हूँ उसे लाख गुना अच्छी है। अब से आपको चाय नहीं मिलेगी घर पे। मैं पीता भी नहीं चाय। हाँ ठीक है। तो धर्मास कैफे से हम लोग का पेट पूजा हो गई पूरी, बहुत पेट भर गया एकदम, बहुत खाया हम लोग ने। अभी मेरा लेदर जैकेट का चेन बंद नहीं हो रहा। वो तो पहले भी नहीं होता था ना। ए, ज्यादा नहीं, ऑफकोर्स। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं तवांग वॉर मेमोरियल। एक्चुअली वहाँ पर कुछ हम लोग को इंक्वायरी करनी है। वहाँ पर ना शाम को एक लेजर शो होता है 6:30 बजे के आसपास, तो जस्ट हम लोग को एक इंक्वायरी करनी थी कि अगर वो लेजर शो ये टाइम पे भी होता है क्या, क्योंकि यहाँ पर अभी बारिश जैसा मौसम है, तो यहाँ ये टाइम पे वो लेजर शो होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो हम लोग वॉर मेमोरियल अभी विजिट करेंगे, अगर होता है तो फिर हम लोग डायरेक्ट दूसरे डेस्टिनेशन में चल जाएंगे, यहाँ पर बाद में आएंगे। थोड़ी रोड यहाँ की नैरो है, बट सही है वैसे तो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। घर भी बहुत मस्त है ना उर्मी आगे। कलरफुल है, अलग अलग कलर्स है, पर्पल, ग्रीन, ग्रीन, लाइम ग्रीन, शेड्स ऑफ ग्रीन काफी अलग अलग, सी ग्रीन, लाइम ग्रीन, येलो। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम लोग को ऑलरेडी लेट हो गया है हम लोग के नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाने के लिए। सो हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है माधुरी लेक और पीटीसो लेक, उसको पैंगोंग सो लेक ऐसे कुछ तो नाम है उसका, मैं मतलब नीचे लिख दूंगा यहाँ पर। तो उसके आगे ना बुमला पास भी आता है, बट बुमला पास के लिए क्या है, हम लोग को यहाँ की लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी, जो कि मेरे को पसंद नहीं है। मतलब पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि टैक्सी वाला गाड़ी चलाएगा और मैं बाजू में बैठूंगा तो मेरे को मोशन सिकनेस होएगा, और प्लस उसका कॉस्ट भी थोड़ा हाई है। मतलब एक जाने आने का चार्ज, मतलब एक गाड़ी का वो लोग 5,000-6,000 के करीब लेते हैं, तो उतना मतलब नहीं बनता है। बट वहाँ पर चाइना बॉर्डर लगता है तो इसलिए लोग जाते हैं वहाँ पर और ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ के लोकल टैक्सी वालों का ना यूनियन बहुत है, मतलब उन लोग की मोनोपोली चलती है, तो उन लोग बाहर के लोगों को जाने नहीं देते। उन लोग बोलते कि हम लोग की टैक्सी में जाओ करके, और वहाँ जाने के लिए आपको परमिट लगता है जो आपको डीसी ऑफिस से बनाना पड़ता है। तो आप कोई भी लोकल एजेंट या लोकल होटल वाले हैं यहाँ पर, उनसे बोल देंगे तो वो बना के दे देते आपको, तो ऐसा रहता है। तो हम लोग वो जगह स्किप कर रहे हैं, बाकी माधुरी लेक तक जा रहे हैं और पीटीसो लेक तक जा रहे हैं और वापस आएंगे। अभी हम लोग ऑलरेडी तो लेट हो गए हैं और हम लोग को 5 बजे तक वापस आना है यहाँ पर वॉर मेमोरियल में। तो हम लोग लेट इसलिए हुए क्योंकि हम लोग बीच में आधे घंटे के लिए शॉपिंग के लिए रुक गए थे, तो इसलिए थोड़ा प्लान में चेंज हो गया और थोड़ा हम लोग को लेट हो गया है यहाँ पर। तो बट कोई नहीं, चलता है, इन लोग की शॉपिंग हो गई, खुश हो गए इन लोग, बहुत अच्छी बात है। यहाँ का रोड्स तो बहुत अच्छे हैं, मतलब फिलहाल तो बहुत अच्छे हैं, आगे पता नहीं क्या सिचुएशन रहती है,
लेट्स सी। सो अभी यहाँ से माधुरी लेक कुछ 16 किलोमीटर दिखा रहे हैं हाफ एन आवर, और अभी हम लोग ऑलमोस्ट 13,000 फीट में आ गए, मतलब तवांग है 9,000 फीट में, और अभी नागुला लेक से हमने जस्ट क्रॉस किया, और ये 13,000 फीट समथिंग है, और यहाँ पर थोड़ा ऑक्सीजन का तो कमी रहता ही है, वो फर्क मालूम पड़ रहा है, यॉनिंग ज़्यादा हो रही है, अनईजी जैसा हो रहा है। अभी बस हाफ एन आवर में माधुरी लेक आ जाएगा, वहाँ से फिर हम लोग रिटर्न हो जाएंगे। देखो कितनी ब्यूटीफुल रोड है, और सही बोलो तो ब्रो को एक सल्यूट है, रिस्पेक्ट है, इतना ऊंचाई में इतना अच्छा रोड बना है, मतलब माउंटेन के हिसाब से तो बहुत ठीक है। सो अब आता है कहानी में ट्विस्ट। हमारा थर्ड स्टॉप था माधुरी लेक, बट हम कहीं और ही निकल गए। इसकी कहानी आपको हितेश बताएगा। ये देखो एक ये वाई जंक्शन है, यहाँ से बोमला पास जाते हैं और यहाँ से सीधा माधुरी लेक जाते हैं। तो हम लोग को बोमला तो नहीं जाना है, हम लोग सीधा जाएंगे माधुरी लेक। आप लोग को ये पीना है, चाय वाय कुछ लेते हैं? हाँ चलो। तो अभी प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है। पहले हम लोग जाते रहते माधुरी लेक, बट वाई जंक्शन आया, वाई जंक्शन में एक चेक पोस्ट था, चेक पोस्ट में एक सोल्जर थे, तो हमने उनसे सिर्फ पूछा कि यहाँ से बोमला पास जाता है, हम लोग जा सकते हैं कि नहीं वहाँ पर। तो उन्होंने बोला जा सकते हो, तो हमने बोला हम लोग की मतलब प्राइवेट गाड़ी है, हम लोग ने रेंट किया है, हम लोग तवांग से आए हैं, ये वो, पापा एक्स सर्विसमैन है, तो बोला हाँ एक्स सर्विसमैन है तो जा सकते हो वहाँ पर, सिर्फ अपना पास दिखा देना, मतलब आईडी कार्ड दिखा देना। बस हम लोग अभी बुमला पास के और जा रहे हैं, तो माधुरी लेक शायद से कैंसिल हो गया और हम लोग के पास टाइम भी नहीं ज़्यादा, 3 बज गए, तो बुमला पास देख के थोड़ा वहाँ पर देखेंगे कैसा है, मतलब बॉर्डर कैसा है चाइना का इंडिया का, देखते हैं अभी कितना पॉसिबल हो पाता है, कितना रिस्ट्रिक्शंस मिलता है हम लोग को। मेरे ख्याल से तो इतना कुछ होगा नहीं, और सामने का व्यू देखिए कितना मस्त है, एकदम मस्त पहाड़ पहाड़ है। हाँ एक और चीज़ है, जो वाई जंक्शन था वो 13,000 फीट की ऊंचाई पे था, और जो बुमला पास है वो है 15,000 फीट की ऊंचाई पे, तो मतलब वहाँ तो और भी लैक ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। तो वहाँ पर और भी थोड़ा ऐसा तकलीफ होगी, तो अच्छा है हम लोग ने परमिट नहीं निकाला और हम लोग के 5,000-6,000 बच गए, है ना उर्मी? All thanks to papa and his guard. All thanks to papa. तो वैसे तो मैंने सुना है कि अरुणाचल इज नोन फॉर स्टेट ऑफ ऑर्किड्स, तो यहाँ पर हमने वो देख भी लिया, स्पेशली ये जगह में यहाँ पर बहुत फ्लावर्स हैं, बहुत ऑर्किड्स हैं, जैसे कि आप आगे भी देख रहे रहेंगे, यहाँ पर बाजू में भी आगे ये सब ऑर्किड्स हैं, तो यहाँ पर ये अपने आप ही उगते हैं और ये कोई उगा नहीं रहा है इसको, ये एरिया में पर्टिकुलरली, तो अपने आप ही यहाँ का सीज़न ही ऐसा, यहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है कि यहाँ पर उग जाते हैं वो। रिपोर्टिंग सेंटर प्लीज प्रूव योर आइडेंटिटी। कोई रोक नहीं रहा तब तक? नहीं नहीं नहीं। नहीं पॉसिबल होगा। फाइनली बोमला पास भी आ गया, नहीं बोमला पास में आ गया। जब हम बोमला पहुंचे तो वहां की आर्मी ने हमें बहुत अच्छा वार्म वेलकम दिया। वहां के एक सीनियर ऑफिसर ने हमें इंडो सिनो वॉर के बारे में फुल डिटेल में बताया, जिसको सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हैट्स ऑफ टू आवर इंडियन आर्मी। सो फाइनली हम लोग यहां पर बोमला पास में आ गए, पीछे देख रहे हो 15,200 फीट में, बहुत मज़ा आई। यहाँ पर बहुत बारिश आ रही है, हम लोग आगे पास तक मतलब जो बॉर्डर है वहाँ तक जाके आए थे, वहाँ पर एक सर ने हमें बताया, सब इन्फॉर्मेशन दी पास के बारे में, सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी, बहुत मज़ा आया। और वहाँ पर शूट करना
अलाउड नहीं था इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया, बस ये पॉइंट तक ही शूट कर सकते थे हम लोग कुछ भी। तो बस हम लोग की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। और बहुत कैसा लगा? मुझे बहुत प्राउड फील होता है इंडियन आर्मी पे, हैट्स ऑफ टू देम। यस यस यस, द वे दे आर हैंडलिंग इट। यहाँ पे वो लोग 24 आवर्स रहते हैं, दिस इज अ जीरो लाइन, वो लोग 24 आवर्स रहते हैं वहाँ पर रहते हैं, बट जबकि चाइना वाले निकल जाते हैं अपने पॉइंट में 4 बजे, बट ये लोग 24 घंटा यहाँ रहते हैं टू प्रोटेक्ट आवर इंडिया। करेक्ट करेक्ट। तो अभी हम लोग फटाफट जाते हैं क्योंकि हम लोग को अभी वॉर मेमोरियल भी जाना है, वहाँ पर लेजर शो है, सो हमको मिस नहीं करना है। तो फटाफट देखो गाड़ी हमने, मेरे को बोलने भी नहीं हो रहा, इतनी ठंडी यहाँ पर। तो गाड़ी में हम लोग ने यहाँ पर पार्क की है और मैं फटाफट बैठता हूँ, बोलने नहीं हो रहा, सांस भी चढ़ रही है। सो जय हिंद एक बार उन लोग के लिए। जैसे कि आपने देखा कि हम लोग बुमला पास गए थे, वहाँ पर बहुत बारिश चालू हो गई थी, बहुत ठंड भी लग रही थी। तो आगे, उससे आगे ना एक पॉइंट है जहाँ पर बॉर्डर है, वहाँ पर वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया वहाँ पर। बट वहाँ पर एक आर्मी वाले थे जिन्होंने हमको पूरा डिटेल्स में बताया वहाँ का सिचुएशन और हिस्ट्री भी बताई वहाँ की कि कैसा था 1962 का। थोड़ा वहाँ पर एक रूम में उन लोग ने रिफ्रेशमेंट भी रखा था, तो उन लोग ने वहाँ पर चाय नाश्ता खाया और फिर हम लोग बस वॉर मेमोरियल के लिए निकल पड़े अभी। अच्छा, बुमला पास के बारे में एक चीज़ मेरे को बतानी है कि अगर आपको बुमला पास जाना है तो 12 बजे से पहले ही निकल जाना, और क्योंकि वहाँ पर उसके बाद एंट्री शायद से नहीं है, ऐसा मेरे को चेक पोस्ट में सुनने मिला है। और इंचार्ज ने भी बताया, इंचार्ज ने बताया, और लेट में लेट आप लोग 2 बजे वहाँ से निकल जाते हो बुमला से। ओके, तो ये ध्यान में रखना। अगर आप ये साइड अपने आप से आओगे तो आप एक ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नेट नहीं चलता है, तो आपको शायद से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने तो ऑफलाइन मैप डाउनलोड किया था। तो मज़े की बात ये थी कि हम लोग बॉर्डर पे थे, वो सब आर्मी ऑफिसर हम लोग को डिटेल बता रहे थे, और मेरा लोकेशन चालू था क्योंकि लोकेशन ऑब्वियसली चालू ही रखना पड़ता है गूगल ड्राइव उसके लिए, गूगल मैप्स के लिए। तो अचानक ना वो चाइना का टाइमिंग पकड़ लिया मेरे फ़ोन में, और मैं अपने क्या बोलते हैं घड़ी में देख रहा हूँ तो 4:30 बज रहे थे, और चाइना और मतलब मेरे फ़ोन में देख रहा था तो 7 बज रहे थे। तो उन्होंने बोला कि शायद से चाइना का टाइमिंग पकड़ लिया होगा, तो वैसा एक कॉमेडी सिचुएशन हो गई थी। बुमला पास, इस सब जगह आप जाते हो तो एक प्राउड फीलिंग आती है आपको, बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही हम लोग बुमला पास गए थे, हमको बहुत प्राउड फीलिंग हुआ, और मेरे पापा भी एक सर्विसमैन हैं तो उनको मतलब उनसे मिलके भी उनको बहुत अच्छा लगा, और हमको भी उनसे मिलके अच्छा लगा। मतलब वैसा ही है कि एक फौजी दूसरे फौजी से मिलता है तो अच्छा ही लगता है। तो बस हम लोग एक जगह से मतलब एक प्राउड मोमेंट वाली जगह से दूसरी प्राउड मोमेंट वाली जगह में जा रहे हैं हम लोग, जो कि है तवांग वॉर मेमोरियल। इसलिए मैं फटाफट चला रहा हूँ क्योंकि वो वहाँ पर टाइम पे पहुँचना है। वहाँ पर है ना 6:30 बजे लेज़र शो होता है, जहाँ पर मेरे ख्याल से लोग 1962 के वॉर के बारे में पूरा बताते हैं, या शायद से उसके दूसरी चीज़ भी बताते होंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट वो तो वहाँ पर जाके ही पता चलेगा कि क्या क्या बताते हैं उन लोग। और यहाँ पर रास्ते में हम लोग को बहुत सारे याक दिख रहे हैं, यहाँ पर याक ही याक है। हमारे दिन का लास्ट स्टॉप था तवांग वॉर मेमोरियल, जहाँ हम लेजर शो देखने वाले थे। हम लोग अभी तवांग वॉर मेमोरियल आ गए हैं, एग्जैक्ट टाइम टू टाइम चल रहा है अभी, 6:15 हो रहे हैं। देखते हैं अभी शो के लिए हम लोग को एंट्री मिलेगी कि नहीं, पता नहीं, लेट्स सी। बहुत भागा दौड़ी होगी, बहुत भागा दौड़ी होगी। अभी तो हम लोग को पता भी नहीं कि शो के लिए कहाँ से जाते हैं, सब पूछ पूछ के जाना पड़ेगा, शो की टिकट भी नहीं ली है। सर ये लेजर शो कहाँ होता है?
लेजर शो कहाँ होता है? यहाँ से होता है, देखना है, यहाँ से आना पड़ेगा। तो आप लोग उतर जाओ, चलो। ओके। हम लोग सही जगह पे आए, यहाँ पर ही लेजर शो होता है, तो मैंने उन लोगों को उतार दिया और मैं अभी गाड़ी पार्क करने जा रहा हूँ। सो हम लोग फाइनली यहाँ पर आ गए हैं तवांग वॉर मेमोरियल में, और हम लोग ऑलरेडी सीट में बैठ गए हैं। ये देखो, ये पीछे पापा बैठे हैं, उर्मी और मम्मी सब अलग अलग बैठे हैं हम लोग। बट फाइनली हम लोग ने मैनेज कर लिया यहाँ पर तक आना, और बहुत अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी टाइम में शो चालू होएगा। आज हम लोग का सब चीज़ टाइम पे हो गया, जो जो साइट सींग था, बाकी था, सब हो गया। सिर्फ हम लोग ने माधुरी लेक नहीं देख पाए, बट उसके जगह हम लोग ने बोमला पास देख लिया, जो कि उससे भी और अच्छी बात है। तो जो होता अच्छे के लिए होता है। तो अभी बस थोड़ी देर में ये चालू हो जाएगा, हम लोग ये देख के सीधा अपने होटल में चल जाएंगे। ऐसा कुछ अरेंजमेंट रहता है यहाँ पर। ये सामने कुछ दिखाएंगे शो, ये सिटिंग अरेंजमेंट है, और ऊपर ये शेड जैसा लगाया है जो कि बारिश से बचा सकता है। सो यहाँ पे हमारा डे 4 खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे सेफ। जय हिंद।